हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिगेंद्र वशिष्ठ वशिष्ठ लॉ क्लासेस की ओर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको MPADPO का न्यू अमेंडेड सिलेबस की जानकारी नहीं है, या एक्चुअली देखिए ये सिलेबस का वीडियो MPADPO का और सिविल जज का, दोनों का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी इस वीडियो को इसलिए लाया गया है जिससे कि कुछ स्टूडेंट्स के और मुझसे पूछा गया था, उनसे क्वेश्चन पूछे उन्होंने मुझसे कि सर एक सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आएगा, कितने नंबर तक का पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आइडिया दीजिए आप। तो वो उसके लिए भी और ये आपके सिलेबस की जानकारी, ये दोनों के लिए ये वीडियो इसलिए एक लाया गया है। इसे पूरा देखिए, आप देखिए सब्जेक्ट वाइज इसमें कितने नंबर का आ सकता है, ये भी हमें जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस है, इसको यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है इन्होंने। इस बार जो उन्होंने सिलेबस दिया है इसको 10 यूनिट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। देखिए ये यूनिट 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10, ये 10 यूनिट में आपके लॉज वाले सब्जेक्ट्स जितने भी हैं लॉ के, वो उनको डिवाइड कर रखा है। उसके बाद देखिए ये आपका जीके वाला पोर्शन आएगा, MPGK वाला, तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन देखिए अभी ये यूनिट वाइज इन्होंने इस बार सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है। पहले इन्होंने 29 सब्जेक्ट्स इन्होंने सिलेबस में शामिल किए थे, लेकिन एक सब्जेक्ट अल्पवय व्यक्ति वाला, यंग पर्सन वाला, वो उन्होंने हटा दिया है। देखिए अब यूनिट वन में, यूनिट वन में है आपका IPC CRPC, और उसके बाद देखिए मोटर व्हीकल एक्ट है यूनिट टू में, एंड देन आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, और अनैतिक व्यापार अधिनियम है आपका ये यूनिट टू में। देखिए दो मेजर एक्ट हमें मिलते हैं यूनिट वन में, और उसके बाद एक आपका देखिए मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो भी मेजर एक्ट की तरह ही है। ध्यान रखिए जब हम लास्ट ईयर का पेपर देखते हैं, लास्ट वाला पेपर देखते हैं जो कि 2016 में जो हुआ था, 2015 में जिसका एडवर्टाइजमेंट आया था, तो लास्ट वाले एग्ज़ाम का जब हम पेपर देखते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि मोटर व्हीकल एक्ट से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, 18, जो कि देखिए जिस तरह से मेजर एक्ट से पूछा जाता उसी तरह से मोटर व्हीकल एक्ट से पूछा गया था। तो अब तो मोटर व्हीकल एक्ट में और ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं, अच्छा खासा लगभग पूरी तरीके से संशोधित किया जा चुका है, काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट है इसमें, तो इसको भी एक मेजर एक्ट की तरह मानकर चलिए आप। ये नहीं कि 3 मेजर एक्ट हैं और बाकी 25 माइनर एक्ट हैं, नहीं, आप ये सोचकर चलिए कि हमारे तो 4 मेजर एक्ट हैं, आपका IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट एंड मोटर व्हीकल एक्ट, बाकी 24 को आप मान के चलिए ये माइनर एक्ट हैं। और इसके बाद देखिए तीसरी यूनिट में एविडेंस एक्ट है, MP एक्साइज एक्ट है और आर्म्स एक्ट है। तो चलिए मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए चूंकि अब इसको आपका इन्होंने क्वेश्चंस कम कर दिए, क्योंकि इनको टोटल 100 क्वेश्चंस पूछना है, 300 मार्क्स का पेपर आएगा आपका इसमें, 300 मार्क्स का आएगा इसमें पेपर, तो आपका 450 मार्क्स का होगा, लेकिन लॉ वाला पोर्शन जो है पेपर में 300 नंबर का आएगा, तो 300 में आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते थे, तो एक एक सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा जाता था, अब एक सब्जेक्ट से कम पूछा जाएगा, लेकिन जो 4 मेजर एक्ट हैं मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा अनुमान है कि इनसे अभी भी 10-10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मीन्स IPC से 10, CRPC से 10, मोटर व्हीकल एक्ट और एविडेंस एक्ट से 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब 30-30 नंबर का इनसे पूछा जा सकता है, 120 नंबर का अकेला इनसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए अब आपके जो माइनर एक्ट है जैसे आपका MP एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट और भी ऊपर वाले जो माइनर मैंने आपको बताए, वो ये आपका महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, उसके बाद देखिए यूनिट 5 आपकी, ये सब माइनर एक्ट वाली यूनिट्स हैं, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, द मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990,
एंड देन देखिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, और मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विक्षिण निवारण अधिनियम, ये भी आपका माइनर एक्ट ही है, 1979 का है, 1979 का है। 2010 का आपका मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के गारंटी, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम यूनिट 6 में है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, ये पॉक्सो एक्ट जो है वो है, यूनिट 6 में। दो आपके सब्जेक्ट हैं, यूनिट 7 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 तथा दहेज प्रतिषेध वर वधु को दिए गए उपहारों की सूचियां रखना नियम 1985, ये हमें यूनिट नंबर 7 में मिलता है। एक सब्जेक्ट और है यूनिट 7 में, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट, ये सातवां यूनिट था। देखिए आठवीं यूनिट आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम NDPS जो एक्ट है आपका, ये भी सिलेबस में है। और 22वां गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। नाइन्थ यूनिट में भी है आपका, देखिए SC ST एक्ट है, उसके बाद देखिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 2000, ये भी सिलेबस में है। एंड देन टेंथ यूनिट में आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015, ये आपका सिलेबस है पूरे लॉस का। तो देखिए इसमें अपन ने देखा 28 सब्जेक्ट्स में से 4 मेजर एक्ट हमने अभी देखे, कि चारों मेजर एक्ट 10-10 क्वेश्चन आने की उम्मीद है इनसे, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। देखिए मेरा कैलकुलेशन है, मेरा ऐसा मानना है कि इन चारों की तैयारी आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, बहुत अच्छे से 120 नंबर का इससे पूछा जा सकता है, 40 प्रश्न मीन्स 120 नंबर का इससे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बाकी के अब जो 24 आपके बचते हैं, तो देखिए इनसे आपका 2 से 3 प्रश्न लगभग हर माइनर एक्ट से पूछने का उनकी संभावना है। तो हर माइनर एक्ट, अब देखिए कुछ इसमें माइनर एक्ट ऐसे भी हैं जिसमें 10-12 सेक्शन है, 20-21 सेक्शन है, बहुत ज़्यादा सेक्शन है ही नहीं उसमें, तो उसको तो आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि उससे 2 क्वेश्चन तो कम से कम पूछेंगे ही, वो 3 भी पूछ सकते हैं लेकिन 2 या 3 पूछेंगे, तब जाकर उससे फिर आपके 60 क्वेश्चन तैयार होते हैं। 60 क्वेश्चन किसी से 2 पूछेंगे, किसी से 3 पूछेंगे, तो 60 क्वेश्चन उससे होंगे, तो 60+40 100 क्वेश्चन आपके इस तरह से ये लॉस वाले पोर्शन से आ सकते हैं, ठीक है, आएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, ये इस तरह से तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स, माइनर एक्ट को जिसमें 10 सेक्शन है, 11 सेक्शन है, 12 सेक्शन है, उसको तो सारी सेक्शन अच्छी बढ़िया तरह से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उससे 2 या 3 प्रश्न तो आने ही आने हैं, तो वो स्कोरिंग रहते हैं हमारे लिए माइनर सब्जेक्ट्स के, तो उसकी आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करिए। देखिए माइनर सब्जेक्ट्स के लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के थोड़ा सा हमें गाइड्स में कम मिल पाते हैं, इसलिए क्योंकि 9 माइनर एक्ट तो देखिए नए जोड़े गए हैं इस बार, 9 माइनर एक्ट्स नए जोड़े गए हैं, तो उनके क्वेश्चंस हमें किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए देखिए आप लोग वर्सेस लॉ क्लासेस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या इवन अभी भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, और अगर रेगुलर बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो जो टेस्ट होंगे हमारे यहाँ पर ऑनलाइन, उन टेस्ट को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी काफ़ी नॉमिनल फीस है, आप लोग मुझसे डिटेल में मुझे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके बाद एक टेस्ट सीरीज भी अनाउंस की जाएगी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। हमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिलना चाहिए स्टूडेंट्स, माइनर एक्ट में जितनी वेराइटी आपके लिए मिलेगी उतने आपका स्ट्रांग होंगे वो, ठीक है, एक माइनर एक्ट से 2 या 3 प्रश्न पूछेंगे ही वो, बाकी मेजर एक्ट आपके जो 4 हैं उन चारों में से 10-10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए ये हमारा लॉ वाला पोर्शन हुआ, इसके बाद देखिए अब हमारा जीके वाला पोर्शन आता है। तो MP GK जैसा कि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि MP GK आपका 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 105 नंबर का आएगा स्टूडेंट्स, इसको 2 महीने पढ़ना चाहिए कम से कम आप लोगों के लिए। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मध्य प्रदेश के इतिहास
इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश का भूगोल, वन, पर्वत तथा नदियाँ, जलवायु, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत संसाधन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, राज्यपाल क्या, मंत्रिमंडल, विधानसभा, मतलब देखिए विधानसभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित पोर्शन भी आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए इसके लिए कि राज्यपाल देखिए कौन से आर्टिकल में राज्यपाल के कोई दंड को परिहार करने की शक्ति वो कौन से आर्टिकल में है, राज्यपाल ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में पास करते हैं, ये ऐसी चीज़ें, मंत्रिमंडल क्या होता है, विधानसभा क्या होती है, ये चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित चीज़ें देखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में क्या पंचायती राज व्यवस्था है, क्या सामाजिक व्यवस्था है, जनांकिकी एवं जनगणना से संबंधित, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग, ये पूरा एमपी का आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं कौन सी है, ये भी देखना है। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का जीके जो 15 नंबर का आएगा ना उसके लिए है। अब ये महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार तथा खेल संस्थाएं, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश की चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान। अब ये देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी आएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स, ये पूरा ये आपका चौथा और पांचवा पॉइंट है। इन दोनों को मिलाकर वो आपसे 15 क्वेश्चंस पूछेंगे। 15 क्वेश्चंस मीन्स 45 मार्क्स के होंगे जो, और बाकी रिमेनिंग आपका 35 देखिए यहाँ से एक से लेके तीन तक का पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए 35 प्लस 15 टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये इस तरह से 50 प्रश्न होते हैं आपके, 50 प्रश्न होते हैं और ये 50 प्रश्न 150 नंबर के होंगे। बाकी आपका लॉ वाला पोर्शन आपका 300 नंबर का है। देखिए आप अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, देखिए अगर आपको इसमें थोड़ा सा टफ लग सकता है थोड़ा ये आईटी वाले पोर्शन में और इंटरनेशनल वाले पोर्शन में, नेशनल इंटरनेशनल, तो इसको आप उसी तरह से तैयारी कीजिए, उसी तरह मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। अगर इससे रिलेटेड आपके इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 35 क्वेश्चन तो आपके उनमें से आ रहे हैं, देखिए जो तीन पॉइंट्स हैं आपके 1, 2, 3, तो इनकी तैयारी बहुत अच्छी करिए आप, इसको ज़्यादा टाइम दीजिए आप, 1, 2 और 3, 35 क्वेश्चन इसी से आएंगे और बाकी 15 क्वेश्चन आपके ये यहाँ से 4 और 5 है ना, तो इसके 15 के लिए आप थोड़ी कम भी मेहनत करो तो चलेगा, लेकिन करना है, छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिए। मैं टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि यदि टाइम नहीं मिला आपको पढ़ने के लिए तो उसके लिए आपको इनको थोड़ा सा यदि कम भी इन पर हम ध्यान दें, लॉ वाला जरूर ध्यान रखिए, बहुत अच्छा है, 300 में से आप वो स्कोरिंग रहेगा आपके लिए बहुत बढ़िया, उसमें स्कोर करिए और बाकी स्कोरिंग रहेगा आपका ये 35 क्वेश्चंस वाला 105 नंबर का पोर्शन, इसी में आपका हो तो देखिए सेलेक्ट तो आप हो ही जाओगे। 450 का है आपका, 450 में से आप ये मान के चलिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग 375 से लेकर 400 तक का आप मानिए, क्योंकि इसमें अपीयरेंस बहुत होती है, देखिए अपीयरेंस बहुत होती है ADPO में, और जो टॉपर रहते हैं टॉपर्स के से डिसाइड होता है कट ऑफ कितना मार्क्स है, तो वो इसके लिए देखिए आप लॉ वाले पोर्शन पर बहुत अच्छी मेहनत करिए और आपका एमपी जीके वाला, बस इसको आपने होल्ड कर लिया, आपके ध्यान रखिए इस पर कमांड कर लिया तो आप सिलेक्ट हो ही जाओगे,
ध्यान रखिए, और बहुत अच्छे नंबर लाना है तो ये रिमेनिंग आपका ये वाला पोर्शन जो है जिससे 15 प्रश्न पूछेंगे, इनको भी अच्छे से पढ़िए, इनको अच्छे से पढ़िए, इसको छोड़ना नहीं है अपने लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके लिए ये मैंने सिलेबस पूरा बता दिया किस तरह से तैयारी करना चाहिए और कितने कितने नंबर का आ सकता है, ये पूरा मैंने जानकारी दी है। स्टूडेंट्स अच्छे से मेहनत करिए, जो अभी देखिए ऑनलाइन क्लास में अभी सेकेंड सब्जेक्ट चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है वो भी, उसके बाद एविडेंस एक्ट स्टार्ट होगा एंड देन मोटर व्हीकल एक्ट एंड देन सारे माइनर एक्ट, मतलब अभी कोचिंग में भी ऑनलाइन क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ना बचा है। आप लोग चाहें तो अभी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आपका रिकवरी बैच जो है, क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने बाद में ज्वाइन किया है तो उनको रिकवर कराने के लिए रिकवरी बैच का प्रावधान है वशिष्ठ लॉ क्लासेस में, वो रिकवरी बैच आपका इसी महीने से स्टार्ट होने वाला है, लगभग वो 21 या 22 जून, मोस्टली आप 21 या 22 जून मानिए, वो उस दिन से रिकवरी बैच स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले तक 21 जून मानिए 21 जून, 21 जून से रिकवरी बैच में स्टार्ट करूंगा। 21 जून से पहले तक जो भी स्टूडेंट कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो उनकी यही फीस रहेगी 15,000, इंक्लूडिंग जो भी टेस्ट होंगे आपके, टेस्ट सीरीज़ वाला टेस्ट नहीं, ये सब्जेक्ट के बाद जो टेस्ट होते हैं लगभग 10-12 टेस्ट होंगे, टेस्ट सीरीज़ में तो लगभग 30-35 टेस्ट पेपर में सेलेक्ट करूंगा आप लोगों के लिए, तो उसकी जो भी नॉमिनल फ़ीस होगी बता दी जाएगी, लेकिन अभी अभी जो है जितने भी सब्जेक्ट के बाद टेस्ट होंगे तो उन टेस्ट की भी फ़ीस इसमें शामिल है 15,000 रुपये में, ओरल टेस्ट भी होंगे उसकी भी फ़ीस शामिल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप अभी जो पहले इससे 21 जून से पहले जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करते हैं तो यही फ़ीस रहेगी, उसके बाद इसको मैनेजमेंट ने इस फीस को बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का डिसीजन लिया है। तो 21 जून के बाद जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए 18,000 फीस पे करना पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट इसलिए क्योंकि देखिए अब दो सब्जेक्ट तो अभी लगभग आपके हो ही जाएंगे रिकवर कराने के लिए, अगर मेरा एविडेंस एक्ट भी मैंने कंप्लीट कर लिया तो एविडेंस एक्ट भी मुझे रिकवर करवाना है, मतलब जो स्टूडेंट बाद में ज्वाइन करेंगे तो मुझे कितना सारा उन्हें रिकवर करवाना पड़ेगा, जबकि वो साथ में अगर पढ़ेंगे अभी तो साथ में पढ़ लेंगे सारा, लेकिन फिर उन्हें रिकवर नहीं करवाना पड़ेगा, तो जो रिकवर करवाना पड़ेगा उसी के लिए फीस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगी उन स्टूडेंट्स के लिए। तो ध्यान रखिए जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो 21 जून से पहले क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, अच्छी तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।